नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वायरल न्यूज में। खबरों में बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 8 घंटे में हुए 2 बम धमाकों से सनसनी फैल गई है। पहली बुधवार की रात करीब 10:30 बजे डोमेल चौक पर एक बस में रहस्यमय धमाका हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरा धमाका उधमपुर जिले के पुराने बस स्टैंड पर खड़ी बस में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। इन दोनों घटना स्थलों से एक दूसरे की दूरी महज 4 किलोमीटर बताई जा रही है। पिछले 8 घंटे में हुए 2 बम धमाकों में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। धमाकों के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मौके पर मौजूद रहे हैं, साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उधमपुर में ये विस्फोट ऐसे वक्त पर हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उधमपुर में हुए धमाकों की जाँच के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA की एक टीम भेजी गयी है। NIA की टीम के साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी सेना के बम निरोधक दस्ते द्वारा जांच की जा रही है और मौके पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। केंद्र सरकार द्वारा PFI और उसके सहयोगियों को 5 वर्षों के लिए बैन किए जाने के बाद अब कई राज्यों ने इस पर एक्शन ले लिया है। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित करने का आदेश जारी किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार ने PFI और उसके सहयोगियों को गैर कानूनी संघ घोषित करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले बुधवार को तमिलनाडु और केरल सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कल PFI और उसके सहयोगियों को गैर कानूनी घोषित करते हुए इस पर अगले 5 सालों के लिए बैन लगाया था। इसके बाद सरकार ने ट्विटर से इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। फिल्म निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर मुश्किल में हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। उनके खिलाफ बिहार के बेगूसराय की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला वेब सीरीज XXX से जुड़ा हुआ है। वेब सीरीज में देश के सैनिकों की पत्नियों को सैनिक की वर्दी में दूसरे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। इसे सेना का अपमान बताते हुए बेगूसराय के एक पूर्व सैनिक ने पिछले साल मुकदमा दर्ज कराया था। बेगूसराय के वकील ऋषिकेश पाठक ने बताया कि ये मुकदमा राजीव कुमार की अदालत में चल रहा है। इस विवाद को लेकर एकता कपूर ने भी कहा है कि भावनाओं के आहत होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने ये सीन वेब सीरीज से हटा दिए थे। यहाँ बता दें कि एकता कपूर इस विवाद के लिए लोगों से माफी मांग रही है। वेब सीरीज के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। एकता कपूर पर पूरे देश में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन पर बिहार के कई जिलों में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जिले के तिवारीपुर पुलिस ने शातिर बच्चों चोर गैंग का खुलासा करते हुए सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिला भी शामिल है। गैंग द्वारा अगवा किए गए बच्चे को भी पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अनाथ बच्चों के NGO की आड़ में बच्चों का सौदा किया करते थे। खास तौर पर खराब आर्थिक स्थिति वाले परिवार के लाचार लोगों को पैसों का लालच देकर उनके बच्चों को अगवा कर लिया करते थे। SPCT कुमार विश्नोई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि तिवारीपुर के डोमिनगढ़ से पकड़ा गया है मऊ निवासी शेखर, अनाथ आश्रम की आड़ में बच्चों को बेचने का एक संगठित गैंग चला रहा था। गोरखपुर में एक बच्चे की मां को प्रलोभन देकर शेखर ने गिरोह के साथियों के साथ साजिश भी रची थी, जिसके बाद पुलिस ने 10 महीने के अंदर बच्चे अंश को बरामद करते हुए गिरोह में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस घटना में वांछित 6 नामजद लोगों की तलाश में जुटी हुई है। SP ने गिरोह का खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए देने की घोषणा की है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह पिछले दिनों MMS वीडियो को लेकर काफी चर्चाओं में रही थी। सोशल मीडिया पर छाए इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा था कि इसमें अक्षरा सिंह है। हालांकि अक्षरा सिंह इस वीडियो को लेकर अपना बयान दे चुकी है, लेकिन लोग उन्हें अभी भी खरी खोटी सुना रहे हैं। हाल ही में अक्षरा सिंह ने एक म्यूजिक वीडियो का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उन्हें देवी लुक में देख ट्रोल्स ने आड़े हाथ लिया है। दरअसल अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसके चलते वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है। अक्षरा सिंह जल्द एक नए गाने 64 जोगिनिया में नजर आने वाली है, जिसके पोस्टर में वो माथे पर सिंदूर लगाकर और खुले बालों में त्रिशूल लिए नजर आ रही है। अक्षरा लाल साड़ी में रौद्र रूप में दिखाई दे रही है, वहीं साथ में बाकी डांसर काली साड़ी में त्रिशूल लिए नजर आ रही है। अब अक्षरा सिंह को इस पोस्टर की वजह से जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ लोगों को अक्षरा के साथ काली साड़ी पहने डांसर का लुक पसंद नहीं आ रहा है। इन लोगों का साफ कहना है कि देवी गीत में इस तरह की रिवीलिंग आउटफिट पहनना गलत है। इसके साथ ही अक्षरा को देवी के रूप में देख लोग वायरल एमएमएस के चलते उन्हें खरी खोटी भी सुना रहे हैं। वायरल न्यूज में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखते रहिए वायरल न्यूज।